कोई नहीं, सही है, जा सकते हो, क्या दिक्कत है? कहाँ जाएंगे? कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सारा काम कर दिया है। यार ये क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम देख सकती हो? तुम देख क्या समझ रहे हो मुझे? मैं पागल हूँ? अरे क्या सोचूं, मुझे बताओगे तो मैं क्या सोचूं? तुम्हें ऐसे क्या नौबत आ गई जो तुम्हें काम वाले के साथ सोना पड़ गया? अरे तुम मेरे पति के साथ मेरे बेडरूम में सो रही हो है? क्या सोचा था कि तुम मेरे बेडरूम में मेरे पति के साथ सोओगी तो तुम उसकी वाइफ बन जाओगी क्या? सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छा हूं वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ हैं कृति जी, और कृति जी के साथ एक बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट हुई है, और मतलब जिसमें इनकी आंखें चली गई थी। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कृति जी, जो भी बात है बताइए, मैंने कैमरा ऑन किया। एक्चुअली मैं एक दिन खाना बना रही थी अपने घर में, किचन में थी, और अचानक मेरे पास कॉल आ गया। मैं कॉल उठाने के लिए बाहर निकली तो इतने में गैस ऑन रह गई थी, उसके बगल में ना कपड़ा रखा था, तो उस चक्कर में मेरे ना घर में आग लग गई थी किचन में काफ़ी। तो उस चक्कर में मैं उसे बुझाने के चक्कर में ना मैं बहुत डर चुकी थी कि मैं क्या करूँ, कैसे बुझाऊँ, घर में कोई था भी नहीं। तो बस मैं उसी चक्कर में मैं गई भागते हुए, तो मैं पानी वगैरह डाल रही थी, तो मैं पानी डाल रही थी तो मेरा पैर फिसल गया, और जैसे ही मेरा पैर फिसला तो मेरे सर पे चोट आई थी जिसमें कि मेरे काफ़ी ब्लड वगैरह भी निकला है काफ़ी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है मुझे, मैं बेहोश हो गई, क्या हुआ मुझे। थोड़ा सा घर में जब लोगों ने आग वगैरह देखी कि घर में से धुआं आ रहा है, तो मुझे अड़ोस पड़ोस के लोग घर में आए, उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं बेहोश पड़ी हूँ और मतलब आग चारों तरफ फैल रही है, तो वो मुझे बचाने के चक्कर में मुझे बचाने आए, मुझे बचा के लेके हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा। मैं हॉस्पिटल चले गई, मतलब सारी स्टोरी मेरे फैमिली उन्हीं लोगों ने मुझे बताई है कि ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा फिर। अच्छा। तो डॉक्टर लोगों ने मेरा इलाज किया, तो उन लोगों ने कहा कि इनके सर के चोट वगैरह के चक्कर में ना इनकी आँखों की रोशनी ना मतलब हसियत ख़त्म ही हो गई है, इन्हें कम दिखाई देगा, और हो सकता है इन्हें दिखाई देना भी बंद हो जाए, इनका ऑपरेशन वगैरह होगा तो हो सकता है इनकी आंखों की रोशनी चली भी जाए। अच्छा। पर हाँ ये कह रहे थे कि शायद हो भी सकता है कि इनकी आंखों की रोशनी अगर चली भी जाएगी तो धीरे धीरे थोड़ा इलाज वगैरह करा के वापस भी आ सकती है। तो मतलब उसके बाद आपको दिखना बंद हो गया? मेरे को दिखना बंद हो गया। अच्छा। फिर मैं घर आ गई, मुझे घर से घर पर लेके आए मेरा हस्बैंड वगैरह, मुझे देख के फिर बस वही बोलने लगे कि ऐसे कैसे हो गया ये वो। मैंने बस बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो गई थी। फिर कुछ नहीं, मैं अपने घर में रहने लगी इसी तरीके से। फिर वो मुझे थोड़ा सा इग्नोर मारने लगी क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आपको इग्नोर क्यों मारते थे, मतलब किसके लिए मारते थे? ऐसा एक लड़की है हमारे पड़ोस में, ठीक है, बहुत गरीब परिवार से थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके मतलब उसके परिवार को देख के मुझे ऐसा फील होता था कि शायद उसको लड़की को मैं रख लेती हूँ, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा घर के कामों के लिए। हाँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी भी हेल्प हो जाएगी, इसको भी पैसे मिल जाएंगे, दो पैसे ये कमा लेगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी भैया। अब उनको मैंने घर पे रखा, ठीक है, वो घर पे काम वगैरह करने लगी, पर मुझे ऐसा देख के लगने लगा था कि मेरे हस्बैंड ना उनके साथ कुछ गलत रिलेशन में जाने लगे हैं। आपको शक होने लगा था? मुझे थोड़ा डाउट होने लगा था, क्लियर नहीं थी उस टाइम पे मैं। अच्छा। बस मुझे डाउट होने लगा था क्योंकि मैं देख नहीं पाती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा, हंसते थे तो आवाज़ें आती थी बस, और कुछ नहीं समझ आता था मुझे। फिर एक दिन भैया मैं ऐसी मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब मेरे रोशनी चली गई थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो पार्क हम पहले जाया करते, तो वो फिर भी मुझे लेके जाया करती थी, तो मैं पार्क में ऐसी जा रही थी, मुझे पकड़ के लेके गई, तो बच्चे कुछ फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, बॉल वगैरह, तो उन बच्चों ने मतलब एक खेलते खेलते ना उनकी बॉल ना मेरे सर पर लग गई, वो सर पर लग गई क्योंकि मेरे सर की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब ही थी, तो मैं एकदम फिर गिर के बेहोश हो गई, मेरे को चोट सी लग गई। मेरी फ्रेंड्स घबरा गई, वो मुझे लेके गई हॉस्पिटल फिर से। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मुझे डॉक्टरों ने देखा फिर सारी चीज़ें, तो मेरी आंखों की रोशनी ना मतलब ठीक ही हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने इलाज करा था, डॉक्टर वही डॉक्टर थे जो उन्होंने बोला था कि तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है, कोई हाथ से के कैसे भी करके आ सकती है, और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं खुशी से इतनी पागल हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी, बस ये खुशी मुझे अपने हस्बैंड को बतानी थी। तो इस चक्कर में मैंने क्या करा कि फ़ोन ना करके मैं डायरेक्ट घर गई, मैंने सोचा चलो मैं घर जाके अपने हस्बैंड को बताऊँगी। और एक्चुअली में भैया मुझे ये नहीं पता था मेरी आँखों की रोशनी आने के बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा,
मैं जैसे ही घर पे गई तो मैंने अपनी जो काम वाली लड़की थी जो उसको मैंने रख रखा था, जिसको अपना समझा था, उसे मैंने अपने बेडरूम में पाया अपने हस्बैंड के साथ। तो अब मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई वो सब देख के, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। अभी आपको दिखाई देता है सब कुछ? अब मुझे सब कुछ दिखाई देता है, अब मेरी आंखों की रोशनी में कोई फ़र्क नहीं है, मुझे अब सब कुछ नज़र आता है। बस मैं अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी पर मैंने उनको बताया इसलिए नहीं क्योंकि अब मैं उनका खुद खुलासा करना चाहती थी कि तुम मुझे मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। उनको ये लगता था कि मैं देख नहीं सकती, तो उनको पता ही नहीं चलेगा मेरी बीवी को कि हो क्या रहा है घर में। मैंने कुछ नहीं, मैंने एक काम करा, मैं अपनी आंखों की रोशनी में जो जा चुकी थी मैंने उनको वही दिखाया कि मेरी अभी रोशनी नहीं आई। अभी तक उनको नहीं पता है ना? उनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, आप संभालो खुद को, ठीक है? आप किसी तरह उन दोनों को यहाँ पे पार्क में बुला लीजिए, ठीक है? और जो भी होगा कैमरे में रिकॉर्ड भी होगा, बाकी आप सामने से देखोगे भी, ठीक है? और उनको भी फील होने मत दीजिए, बाद में पता चल जाएगा उनको, ठीक है? हाँ, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको फोन करके बुलाया कि ऐसे ऐसे मैं थोड़ा पार्क में गिर वगैरह गई तो चोट लगी। आपने बुला लिया ना? हाँ, मैंने बुलाया उनको। ठीक है, वो आते हैं, मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, ठीक है? हाँ बेबी, कैसे बुलाया? अच्छा, आ गए आप। हाँ, और बताओ, सीमा नहीं आई क्या? सीमा आई ना? सीमा भी आई है। मैं आई हूँ। अच्छा सीमा, तुम खाना वगैरह बना के आई हो ना? हाँ, मैं सारे काम करके आई हूँ, खाना सब्जी सब बना के आई हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। एकदम से अचानक से कैसे बुला लिया यहाँ पे? कुछ नहीं, फ्रेंड्स मेरे, मेरा नहीं मन नहीं लगा था, फ्रेंड्स के साथ आ गई थी, उन लोगों ने मुझे ये बोला कि घर चलो, चलो आई थी वो मुझे घुमाने के लिए कि चल पार्क में थोड़ा सा तेरे को टहला के लेकर आती हूँ, तो बस उन्हीं के साथ आ गई थी। अच्छा, एकदम से अचानक से कैसे बुलाया यार तुमने, मुझे समझ ही नहीं आया। अरे बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा तुम्हें भी बुला लेती हूँ मैं, इसने मेरा तुम्हें बुला लिया। हम आ गए ना? हाँ, आपका मन लग जाएगा। हाँ, थोड़ी देर घर पे पता है बहुत बोर हो रही थी ना, इसलिए सोचा कि तुम दोनों को बुला लूँ, ठीक है? तो ऐसे इच्छा ही कर रही थी तो मैंने तुम लोगों को बुला लिया। और हाँ, कुछ नहीं। कुछ खाया हुआ है तुमने? नहीं, मन ही नहीं कर रहा था बस कुछ भी खाने का। तुम खा के आ गए? सीमा खाना खिला दिया था सबको? हाँ, मैंने खिला दिया था। अच्छा ठीक है। हाँ, इनकी फेवरेट सब्जी भी बना दी थी, खीर भी बनाई थी, खाना खा लिया है। अच्छा सही करा। तुम इतनी सैड कैसे हो रखी हो? कुछ नहीं, कोई परेशानी है क्या? नहीं, क्या परेशानी होगी मुझे? नहीं बताओ। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मन उदास था। पता है मैं क्या सोच रहा था? मैं जा रहा था थोड़ा किसी काम से बाहर, तो मैं यही सब सोच रहा था कि सीमा को भी ले जाऊँ। अच्छा। वहाँ पे गए फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा, तुम्हें पता तो है ही। अच्छा, सीमा भी जा रही है? सोच रहा हूँ ऐसा कि सीमा को ले ही जाऊँ। अच्छा, कोई नहीं, सही है, जा सकते हो, क्या दिक्कत है? कहाँ जाएंगे? सीमा, घर पे बर्तन पड़े हुए रहता, वो मानती थे क्या? हाँ, मैं सारा काम करके आई हूँ दीदी, बर्तन वर्तन सब साफ करके आई हूँ। मशीन में कपड़े भी पड़े हुए थे शायद। धुल दी है मैंने, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और ये बताओ यार, तुमने दवाई वगैरह खाई नहीं खाई? मेडिसिन वगैरह ले रही हो नहीं रही तुम टाइम से आजकल? सब ले ली थी मैंने, मेडिसिन वगैरह सब ले लिया मैंने। दवाई खा के आई हो अभी तुम? क्या खा के आई हो? दवाई खा ली थी मैंने। क्या खाया था बताओ? मैंने दवाई भी खा ली थी, खाना भी खा लिया था। अच्छा सीमा, ये बताओ, मैंने तुमसे कहा था सब्जी वगैरह ले आना, ले आई थी क्या घर पे? यार तुम अपना ध्यान वगैरह रखो यार, दवाई वगैरह खाया। तुम्हें पता है यार, मैं देख नहीं सकती तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ खाने पीने की। तो मुझे पता है तुम देख नहीं सकती, ये तो मैं भी मान रहा हूँ, मगर तुम अपना थोड़ा ख्याल वगैरह रखो ना। ख्याल कैसे रखूँ? रख ही रही हूँ मैं अपना, जितना बनता उतना रख लेती हूँ। और बताओ। बस कुछ नहीं, मेरे को ये बताओ कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे, कहीं जा रहे थे क्या? सीमा बताओ, सीमा कहाँ जा रहे थे आप लोग? घर पे जा रही थी, मैंने कहा साथ छोड़ देंगे मैं आपको। अच्छा, तो तुमने काम वाम तो सब कुछ कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सारा काम कर दिया है। यार ये क्या चल रहा है तुम्हारा? यार ये क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? क्या पागल बना रहे हो क्या मुझे? क्या हम नॉर्मल कर क्या रहे हो तुम मेरे साथ? और सीमा तुम, आपको दिखाई नहीं रहा सामने हो मेरे, आप क्या कर रहे थे तुम? तुम देख सकती हो? तुम देख क्या समझ रहे हो मुझे, मैं पागल हूँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो जानबूझ के तुमको तुम्हारा पर्दा साफ करना चाह रही थी। देखो तो तुम कर क्या रहे हो दोनों, तुम लोगों में यकीन किया मैंने? कुछ भी नहीं किया दीदी, बस बातें कर रहे थे। ये बातें कर रहे हो, मैं इतनी देर से सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, तुम मुझे पागल बना रहे हो, पता है तुम्हें?
यार तुम भी इतना यकीन किया, तुम तो मेरे थे ना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अभी भी मुझसे ही बोल रहे हो कि मैंने धोखा नहीं दिया? तुम देख सकती हो, मतलब तुम मुझे पागल समझते हो क्या? देख, अगर देखा है अपनी आंखों से तभी बोल रही हो। तो तुम पागल बना रही थी मतलब इतने दिन से? यार तुमसे क्या बात करूं, तुम मुझे बताओ, तुमने मेरे घर पर बात करने आई हो? मैंने नहीं किया था कुछ भी, हम बस बैठे बात कर रहे थे, जा ही रहे थे। दीदी आप देख सकते हैं, आपने बताया नहीं। अच्छा मैं तुमको बताऊं कि मैं तुम्हें देख सकती हूं, तुम ये हरकतें नहीं करती फिर? नहीं ऐसा नहीं है, हम तो खुश है ना कि आप देख सकती हो। क्या झूठ बोल रही थी? झूठ तुम मुझसे बोल रहे थे, मेरी आंखों की रोशनी क्या चलेगी? तुमने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। तुमने तो मेरे ड्रेस बना के ये मेरे ड्रेस बना रखी है उसको। दीदी मेरे पास कपड़े नहीं थे, कपड़े तो खराब वो थे, गंदे थे, इसलिए पहना दी। तुम्हें बड़ा ध्यान रहता है उसका कि उसके कपड़े गंदे थे, तुम्हें पूरा याद रहता है। यार अपनी बीवी नहीं दिखी तुमको? तुम तो बीवी हो ही मेरी। तो बीवी हो तो बीवी की तरह रखा कहा तुमने मुझे? बारिश हो गई वो, अब उसने बोला भैया कोई कपड़े तो तुम्हारे कपड़े दे दिए इसलिए। यार मैं ना सुनो, मैं बहुत टाइम से बहुत कुछ देख रही हूँ, तुम्हें सिर्फ मैं तुम्हें धोखे में रख रही थी कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम दोनों की हरकतें क्या चल रही हैं। तुमने तो यानी कि गेम खेला मेरे साथ। मैंने गेम खेला, तूने गेम खेला मेरे साथ, जाओ यहाँ से। दीदी माफ कर दे यार। माफ कर दूँ मैं तुझे? माफ कर दूँ मैं? क्या माफ करूँ तुझे ये बता, क्या माफ करूँ? प्लीज माफ कर। ये शुक्र है ना कि मैं तेरे पे हाथ नहीं उठा रही, मैं तुझे बता रही हूँ तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तू कह रही मेरा गरीब परिवार है, मैंने अपने घर में क्यों रखा था? सिर्फ अपनी हेल्प हो जाए, और तेरे को भी पैसों की कमी थी इसलिए मैंने तुझे अपने घर रखा था। क्यों किया मेरा घर बर्बाद? मुझसे गलती हो गई। प्लीज बात तो सुनो, तुम क्या हो गया मतलब यार, तुम्हारे साथ रह के कोई फायदा तो नहीं है ना? अब कोई हमारी जिंदगी में हमारे साथ अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम दोनों ने तो मेरा घर बर्बाद कर ही दिया। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज हाथ मत लगा यार मुझे। माफ कर दो। क्या माफ करूं? मांग रही हूं प्लीज। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो दीदी। क्या माफ कर दो यार, अब कुछ हो भी नहीं सकता, सब कुछ तुमने खराब कर दिया। और तुम मुझे ये बताओ, मेरे हमारे बेडरूम में तुम उस काम वाली के साथ लेटे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने कभी नहीं सोचा मेरे बारे कि मेरे पे क्या बीतेगी? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोचूं तुम्हारे बारे में, क्या सोचूं मुझे बताओगे तुम? मैं क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? तुमने मेरे साथ मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम सोचो तो सही यार। यार मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी, तुम्हें ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें काम वाले के साथ सोना पड़ गया? यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो यार। तुम हाथ मत लगाओ मुझे, तो तुमसे गेंद भी आ रही है। तुम ये तो देखो, तुम इसके साथ सो के आए हो दीदी। और तुम कर दो गलती, तुमने मेरे साथ क्या करा यार? माफ कर दो यार, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे पति के साथ मेरे बेडरूम में सो रही हो है? क्या सोचा था तुमने? कुछ नहीं किया। नहीं क्या सोचा था कि तुम मेरे बेडरूम में मेरे पति के साथ सोओगी तो तुम उसकी वाइफ बन जाओगी क्या? यार मैं आप सोच, तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम यहाँ बैठो। क्या बैठो, हाथ मत लगाओ मुझे, समझ गए? क्या बैठूं मैं? ठीक है, मुझे नहीं पता था कि अगर गरीब परिवार की लड़की को घर पे लेकर आते हैं तो वो हमारे साथ ऐसा कर सकती है? यार अब तो मेरे को यकीन ही नहीं है, कोई रह नहीं सकता। यानी कि कोई लड़की अगर मजबूर है, परेशान है, तो वो किसी को लेकर आती है कि चल बेटा उसको भी साथ हो जाएगा, तुझे भी कमी नहीं रहेगी, और तूने मेरे साथ ये कर दिया। मुझसे गलती हो गई है। यार हाथ मत लगा मुझे, समझ गई? अभी भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? कौन है, कौन है? अभी भी शर्म नहीं आ रही है? ये तो बता, हमारा आपसी मैटर चल रहा है यार। आपसी मैटर चल रहा है यार, वैसे बहुत टेंशन में हम। टेंशन में तू? हाँ जा, चले जा भाई, जाने के बाद भी सब कुछ ये कर रहा है तू। अबे भाई जा यार, क्यों मुंह लग रहा है यार? हम अपनी आपसी बात कर रहे हैं, तो दिख नहीं रहा क्या? पूछ मैं कौन हूँ, पूछ। अभी भी इतने अकड़ रहे हैं, मैंने बुलाया इनको। अभी ज्यादा अकड़ में है क्या? ठीक है, मैंने बुलाया इनको अभी भी अकड़ में, तुम्हें दिखाने के लिए। जा यार जा, अभी भी अकड़ में है क्या? अकड़ नहीं रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ तेरे से। अभी सारी अकड़ियां निकाल दूंगा, ठीक है? ठीक है, काम होने के साथ ये सब करो। शर्म नहीं आ रही बीवी होने के बाद भी? यार मेरी आंखों की रोशनी क्या चली गई इनने तो मेरे से? जा भाई जा, मार मत। ठीक है ना, समझा रहा हूँ। बैठ बैठ बैठ, अब से इज्जत से बात करो। शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, तूने बुलाया ना? मैंने बुलाया इसको भी, देखो इसने भी मेरा घर बर्बाद किया। ये मैंने इसको सिर्फ गरीब समझ के रखा था। इसने तुम्हें घर पे काम के लिए रखा, उसके साथ ही मतलब ये कर रही हो, उसी के पति के साथ? गलती हो गई मुझे, माफ। गलती हो गई इससे, हाथ मत लगा मुझे। सर नहीं आती है यार, हाथ मत लगा यार, तुम लोग दूर रहो मुझसे। देखो मैं आपको यही बोलूंगा, आपको जो डिसीजन लेना है आप लेना। यार अंजलि सुन लो, गलती हो गई यार, सॉरी मुझे यार। अब मैं डिसीजन मैं लेती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। इसको लेके जाओ, इसको रखो, तुम
तुम्हारा संबंध इसके साथ है, मेरे साथ यही होता है, ठीक है, मेरे साथ अगर रहना होता ना तो तुम ये गुल नहीं खिलाते जो तुमने खिलाए। मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस कैसे भी करिए मुझे डिवोर्स दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं रहना यार तुम्हारे साथ, क्या करूंगी रह के, मुझे डिवोर्स दो, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, तुम यहाँ से जाओ यार, इसको लेके जाओ तुम, नहीं रहना मुझे। यार सुन तो लो यार। नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना, बोल दिया ना। सुन लो यार, देख लो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको रहना है, मुझे नहीं पता यार, तुम यहाँ से जाओ, तू जा यहाँ से, चल निकल, तुम भी जाओ यार यहाँ से, मान जाओ यार, क्या मान जाओ यार, मेरे पे हाथ मत लगाओ मुझे, प्लीज यार मान जाओ यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। देखो मेरी बात सुनो, वो भी चले गई, तुम भी उसके साथ जाओ, तुम्हारा वेट कर रही होगी, जाओ जाओ मेरे साथ, मत तुम्हारे साथ रहना यार, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सॉरी गलती हो गई ना, मान मुझे तो साथ नहीं रहना, मैं को अपने घर जाना, पैर पड़ लो और बताओ, मेरे पैर मत पड़ो, तुम उसके पैर पड़ो जिसके साथ तुम रह रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मुझे अपने घर जाना है, मुझे डिवोर्स दो।